ये सब इंतजाम देखकर उदास हो गई हो ना तुम। मेरा भी यही हाल है। लुबना की तरफ देखती हूं तो दिल खुश हो जाता है। तुम्हारे बारे में सोचती हूं तो उदास हो जाती हूं। काश तुम अपने इन दिनों को अरसलान के साथ यादगार बनाती। मेरी तो बस यही दुआ है कि तुम दोनों बहनें अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो। मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूं, और आप भी उदास मत होइएगा। बस आप लुबना की खुशी को एंजॉय करें और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करें। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी जान, आप पहली दफा हमारे घर आई हैं। अगर खाना खा के जाती तो हमें बहुत खुशी होती। जी इंशाल्लाह फिर कभी सही। आज तो मैं सिर्फ रिया से मिलने के लिए आ गई। बेटी से कभी दूर रही नहीं ना, इसलिए खुद को रोक नहीं सकी। जी अभी तो हमें भी बहुत थकन हो रही है, जेट लैग तक नहीं उतरा अभी हमारा। बस कुछ चेहरों से नकाब उतर गए। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बेटी का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बहुत कमाल का है। जी बिल्कुल, अपने डैड पे गई है। इसके डैडी ने भी तो दो शादियां की थी ना। भाई सास और बहू की दोस्ती देखनी हो तो इन दोनों को देख लें। फरिया ने तो अपने मेके के सारे राज अपनी सास को बता दिए। बेटा आप बच के रहना, सास ताने भी खूब देगी। हाँ भाई, वो वैसे सारे काम इसने शादी से पहले ही कर लिए हैं। आजकल की लड़कियां वैसे बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हो गई हैं। अरे बेटा तुम जाकर अपनी मम्मी को अपना कमरा तो दिखाओ। चले लेट्स गो। हाँ बेटा चलो। एक्सक्यूज अस। क्या हो जाता तुम्हें, पहली बार हमारे घर आए, कुछ तो ख्याल करो। अपना ना सही तो अपने बेटे का ख्याल कर लो। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। अगर इसे इतना ही बुरा लगा है तो निकल जाए मेरे घर से।